हे फ्रेंड्स, सुप्रिया हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को जो जेई मेन 2018 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पूछा गया था। और वो क्वेश्चन था, टू मासेज M1 इज इक्वल टू 5 kg एंड M2 इज इक्वल टू 10 kg कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली आर मूविंग एज शोन इन फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। द मिनिमम वेट M दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ M2 टू स्टॉप द मोशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सेटअप दिया हुआ था, तो फिर सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे M1 दिया हुआ है फ्रेंड्स 5 kg एंड M2 की वैल्यू दी हुई है 10 kg। इस सरफेस की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है 0.15। आपको निकालना है इस M की वैल्यू सो दैट यहां पे ये मोशन रुक जाए। तो फिर अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले अगर हम इस M1 की FBD को ड्रॉ करेंगे तो नीचे वेट M1g, ऊपर टेंशन, और कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स T इज इक्वल टू M1g। बिकॉज फ्रेंड्स, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो हम लोग यहां से T इज इक्वल टू M1g इक्वेट कर सकते हैं। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 5 × 10, दैट इज 50 N। फ्रेंड्स, सेकेंड अगर हम M2 के FBD को ड्रॉ करेंगे, नीचे वेट M2 प्लस M × g, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर नॉर्मल। एंड फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन अगर हम इसके एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा। और फ्रेंड्स, पहले ही हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है एंड अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है। फ्रेंड्स, ये साइन कन्वेंशन है, आप इसको अपोजिट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर की तरफ आएगा M2 प्लस M × a। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, एंड देयर इज वन अनदर फोर्स टेंशन हियर। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को हॉरिजॉन्टल के साथ इक्वेट करेंगे एंड वर्टिकल को वर्टिकल के साथ। तो यहां पे आप देखें कि वर्टिकल में अपवर्ड में नॉर्मल है एंड डाउनवर्ड इज वेट। तो आप नॉर्मल को M2 प्लस M × g लिख सकते हैं। एंड अगर इस डायरेक्शन के लिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो यहां से आप लिखेंगे, चूंकि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मैंने यहां पर लिया है, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन फ्रेंड्स और फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रेंड्स होती है μ × N। तो हमने यहां पे देखा है फ्रेंड्स कि नॉर्मल जो है वो M2 प्लस M × g के बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं μ × M2 प्लस M × g इज इक्वल टू M2 प्लस M × a। फ्रेंड्स, चूंकि आपको पता है कि यहां पे सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो है, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ M2 प्लस M × g। फ्रेंड्स, टेंशन आपने देखा है कि 50 N, 50, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.15, M2 की वैल्यू दी हुई है 10, M आपको निकालना है एंड g की वैल्यू 10 आप पुट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप देखें 10 प्लस M इज इक्वल टू 5/0.15, दिस विल बिकम 100/3। तो यहां से आप M की वैल्यू लिख सकते हैं 100/3 माइनस 10, दैट इज 70/3 एंड इट बिकम्स 23.3 kg एग्जैक्टली। तो फिर आप देख रहे हैं कि सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सिर्फ इक्वेशन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जेई मेन 2018 का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।